Hi students, myself Deepak Goyer from Vyore classes. Today we'll see lesson number 3, Applied History. So let's start. All question answers are covered in this video. और lesson number 1 और 2 की जो link है वो description box में दी गई है, उसको ज़रूर देखिए. अगर आप इस बार channel पे नए हो तो subscribe ज़रूर कीजिए, इसी video देखिए. लेसन नंबर 3, अप्लाइड हिस्ट्री. अप्लाइड मीन्स यूज्ड हिस्ट्री, वॉट एवर एप्लीकेशन यू हैव स्टडीड. कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. द अर्लिएस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड हैज डिस्कवर्ड इन द एक्सकैवेशन एट द सिटी ऑफ डायडाश. जो अर्लिएस्ट म्यूजियम है जो वर्ल्ड में, वो डिस्कवर हुआ एक्सकैवेशन. एक्सकैवेशन मतलब जमीन खोदकर जो कुछ हमको पुराने एंशियंट जो रिमेन्स मिलते हैं, दैट इज एक्सकैवेशन. कौन से सिटी में मिले? आंसर इज यू आर, दैट इज सेकंड फिल इन द ब्लैंक से. द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज इन. नेशनल आर्काइव जो इंडिया की, वो न्यू दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, इसमें से कौन से सिटी में है? द आंसर, करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1B. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट एंड रीराइट इट. आपको रॉन्ग पेयर दिए जाएंगे, उसमें से एक रॉन्ग पेयर होगी, उसको फाइंड करना है, उसको करेक्ट करने का, उसकी करेक्ट पेयर क्या है, और रीराइट. रीराइट मतलब फिर से लिखिए. तो पहला है कुटियट्टम, संस्कृत थिएटर, केरला. रमन, डांस फ्रॉम ऑफ इन वेस्ट बंगाल. रामलीला, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण इन द उत्तर प्रदेश. काल बेलिया, फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस इन राजस्थान. एंड द रॉन्ग पेयर इज रमन, द डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल. एंड द करेक्टेड पेयर इज रमन, रिलीजियस फेस्टिवल है. ये आपको एक मार्क के लिए आ सकता है. फाइंड आउट रॉन्ग पेयर की फाइंड आउट करने के लिए हाफ मार्क, और करेक्टेड पेयर के लिए हाफ मार्क्स आएगा आपको. एंड द रिचुअल थिएटर इन द गर्व. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट. अप्लाइड हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री जो लेसन का नाम है, उसका मतलब क्या है? देखिए, व्हेन वन सब्जेक्ट इज अप्लाइड टू डिफरेंट फील्ड्स, जब एक ही सब्जेक्ट डिफरेंट फील्ड्स को अप्लाई किया जाता है, कंक्लूजन आर डिराइव्ड, इट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट. उसमें से कंक्लूजन किया जाता है, कि एक फाइनल डिसीजन किया जाता है, कि जो वो एप्लीकेशन है वो सब्जेक्ट को यूज करने के लिए, अप्लाइड हिस्ट्री कहा जाता है उसको. व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री इज अप्लाइड टू अदर सब्जेक्ट, न्यू कंक्लूजन आर ऑब्टेन. जो ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री का, वो दूसरे सब्जेक्ट को अप्लाई किया जाता है, एक नया कंक्लूजन के लिए आते हैं हम. दिस इज नोन एज अप्लाइड हिस्ट्री. इट इज ऑल्सो नोन एज अ पब्लिक हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री को दूसरा नाम है पब्लिक हिस्ट्री. कोई भी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का दूसरे सब्जेक्ट के लिए जब हम एप्लीकेशन करते हैं, उसका यूज किया जाता है, एक नया कंक्लूजन निकलता है, और उसी कंक्लूजन को अप्लाइड हिस्ट्री कहा जाता है, कि जो कि लेसन का नाम है. वी गेट इनसाइट्स ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट थ्रू हिस्ट्री. पास्ट में क्या क्या इवेंट्स हो चुके थे, उसकी इनसाइट हमको उसका ये मिलता है, इमेजिनेशन मिलता है, कि वो कैसे हुआ होगा, हम इमेजिन कर सकते हैं वो हिस्ट्री सुन के. अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. तो एप्लीकेशन मतलब यूज, हम कह सकते हैं कि वो नॉलेज का यूज हिस्ट्री में जो हुआ, फॉर द बेनिफिट इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम. तो पास्ट में जो लोगों के पास में नॉलेज था, उसका बेनिफिट कंटेम्प्रेरी मतलब अभी के लोग और फ्यूचर टाइम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं. हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स. हिस्टोरिकल इवेंट जो है वेरियस फील्ड से रिलेटेड है, जैसे कि सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसका, ऑफ कम्युनिटी, फिलोसॉफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. मतलब पॉलिटिक्स, सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर कम्युनिटी का, फिलोसॉफी, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो सब्जेक्ट्स है. ईच ऑफ दिस फील्ड्स हैव देयर ओन हिस्ट्री. हर एक फील्ड का अलग अलग हिस्ट्री है, इसी को हम अप्लाइड हिस्ट्री कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्काइव्स. आर्काइव्स मीन्स व्हाट? प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड आर्काइव. जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, प्रिजर्व करना, ध्यानपूर्वक रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको आर्काइव कहेंगे. ओके,
मेनी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, ओल्ड फिल्म्स है, रिकॉर्ड ऑफ द ट्रीटीज आर केप्ट एट दिस प्लेस। तो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ओल्ड फिल्म्स है, ये रिकॉर्ड ऑफ ट्रीटी दो कंट्री के बीच में वॉर स्टॉप करने के लिए जो कुछ एग्रीमेंट हुआ, दैट इज ट्रीटीज, ये रखा जाता है। वी गेट रेफरेंस फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ द आर्चिव। तो हमको आर्चिव्स की वजह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको रेफरेंस मिलते हैं। स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इज पॉसिबल। तो उस पीरियड में पर्टिकुलर क्या स्टडी हुआ होगा वो हमको देखने को मिलता है। वी कम टू नो अबाउट लैंग्वेज, उसके बारे में हमको, लैंग्वेज के बारे में हमको पता चल सकता है। स्क्रिप्ट यूज इन अ पर्टिकुलर पीरियड और एरा, जो स्क्रिप्ट, जो लैंग्वेज थी, जो वो उसके साथ में जो स्क्रिप्ट थी, मतलब जैसे कि अभी आप अल्फ़ाबेट स्मॉल और कैपिटल आपको जो स्क्रिप्ट मालूम है, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो ऐसे पर्टिकुलर पेरा में पीरियड में क्या था। इट बिकम्स ईजियर फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू इनहेरिट हिस्टोरिकल हेरिटेज। तो अगले जनरेशन को ये हिस्टोरिकल हेरिटेज पता होना चाहिए, इसके लिए भी आर्चिव्स ज़रूरी है। द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया इज़ इन दिल्ली। नेशनल आर्चिव जो है इंडिया की दिल्ली में है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आर्चिव इन एशिया। एशिया में सबसे बड़े आर्चिव दिल्ली में। एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इट्स आर्चिव इंडिपेंडेंटली। हर एक स्टेट्स ने अपने अपने आर्चिव जो है इंडिपेंडेंटली प्रिजर्व करके रखिए, मेंटेन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री का कंसेप्ट क्या है। पब्लिक हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज अप्लाइड हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री का दूसरा नाम ही है अप्लाइड हिस्ट्री। अ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर लाइफ। कंटेम्प्रेरी ऑफ द सेम पीरियड, मतलब प्रेजेंट पीरियड के जो लोग हैं, या फ्यूचर लाइफ के लिए जो हिस्ट्री की एप्लीकेशन है, यूज है, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए लोगों को। इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू द कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि पास्ट में क्या हुआ था, उन्होंने किस तरीके से वो प्रॉब्लम को डील किया था, सोशल प्रॉब्लम को किस तरीके से डील किया था, ये हमको पता चलता है। इट ऑल्सो ओवरकम द मिसगिविंग्स अबाउट हिस्ट्री। जो हमको मिस प्रेजेंट किया गया था हिस्ट्री, उसको ओवरकम करता है, क्योंकि रियलिटी हमारे सामने आती है। एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू द हिस्ट्री। एवरीडे लाइफ में हिस्ट्री कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इससे हमको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनेस्को इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को का हेरिटेज साइट्स में क्या रोल है। हेरिटेज साइट्स मतलब क्या, कि जो पुराने, जो कुछ बिल्डिंग्स है, फोर्ट्स है, बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें जो है, जो हमको हमारे एंसेस्टर और कल्चरल हेरिटेज बताती है, उसके लिए यूनेस्को का रोल क्या है। यूनेस्को एक ग्लोबल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और उसका रोल क्या क्या है देखिए आप। फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल कल्चरल हेरिटेज। प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना उसको, नेचुरल कल्चर हेरिटेज को, विच इज इन रुइन स्टेट, जो खराब हो चुका है, रुइन, बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ निगलेक्ट, क्योंकि उसको निगलेक्ट किया, ध्यान नहीं दिया गया। यूनेस्को अनाउंस सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो यूनेस्को ने उसके लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव प्रिंसिपल इट डिक्लेयर्स, तो वो क्या डिक्लेयर करती है इसके लिए, लिस्ट ऑफ साइट एंड ट्रेडिशन वर्ल्ड हेरिटेज। तो वो साइट्स कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये डिक्लेयर किया जाता है और उसको प्रिजर्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है और उनके नाम क्या क्या है। फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डिक्लेयर बाय यूनेस्को। कुछ फॉलोइंग प्लेसेस दिए गए महाराष्ट्र में कि जो यूनेस्को ने डिक्लेयर किए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। पहली है अजंता केव्स, अजंता केव्स जो है वो। सेकंड, वेरूल और एलोरा केव्स एंड कैलाश टेम्पल। अजंता एलोरा केव्स जो औरंगाबाद के पास में है, आप गए होगे कहीं वहाँ पर। एलिफेंटा केव्स। नेक्स्ट इज द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, जिसको आप CST कहते हो, मुंबई का स्टेशन। और मेनी फोर्ट्स लाइक रायगढ़, देवगिरी, जंजीरा, सिंधुदुर्ग पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ महाराष्ट्र। तो ये बहुत सारे फोर्ट्स है महाराष्ट्र के कल्चर के पार्ट है। दो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये हमारे कल्चरल हेरिटेज है महाराष्ट्र।
कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट. कंसेप्ट चार्ट है कल्चरल हेरिटेज, आपको लिखने हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल. ओके, तो टेंजिबल विच यू कैन सी, विच यू कैन टच विथ योर हैंड, दैट इज टेंजिबल. एंशियंट साइट्स है कुछ, जैसे हमने देखा CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, बिल्डिंग्स है कुछ, आर्टिफैक्ट्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से लिखे हुए कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, स्कल्पचर है, स्टोन आर्ट्स मतलब स्टोन से कुछ कट करके कुछ स्टैचूज बनाए गए, वो पेंटिंग्स है कुछ. इंटेंजिबल में क्या है, ओरल ट्रेडिशन है, उनकी लैंग्वेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, सोशल कस्टम एंड रिचुअल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल. हर एक इसमें सोशल कस्टम अलग है. हमारे तरफ लगभग 40 किलोमीटर के बाद में लैंग्वेज चेंज होती है, कल्चर चेंज होती है, तो उनका फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी अलग है. स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग स्टाइल आर्ट अलग है. सर्टन ट्रेडिशन एंड स्किल, कुछ अलग ट्रेडिशन और उनके स्किल्स है. कम्युनिटीज ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशन सच कस्टम्स एंड स्किल्स. तो ये इनटेंजिबल है और टेंजिबल ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिविंग रीजन. गिव रीजन से इट इज एसेंशियल टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी. हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी स्टडी करना बहुत जरूरी है. नेसेसरी एसेंशियल मतलब नेसेसरी जरूरी है. मैन एक्वायर डिफरेंट स्किल्स एट वेरियस स्टेजेस. आदमी जो है डिफरेंट स्किल एक्वायर करता है अलग अलग स्टेज में इन इज इवोल्यूशन प्रोसेस. इवोल्यूशन जो प्रोसेस है इंसान की, उसमें उसने अलग अलग स्किल सीखे. फ्रॉम मेकिंग स्टोन टूल्स टू डेवलपिंग न्यू टेक्निक. तो स्टोन एज में उसने क्या किया, स्टोन टूल्स बनाए सबसे पहले. धीरे धीरे न्यू टेक्निक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के वो सीख गया. ही लर्न मेनी स्किल्स एंड एंटर द एज ऑफ साइंस. आज हम साइंस के एज में तो बहुत सारे स्किल सीखे इंसान ने. उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कमोडिटी प्रोडक्शन है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, अंडरवेंट सेवरल चेंजेस है. प्रोडक्शन इंक्रीज मैनीफोल्ड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. बहुत सारे प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो गए मैनीफोल्ड मतलब मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी के वजह से. हेंस इट इज नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इन मैकेनाइजेशन म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये बहुत जरूरी है. इट इज नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी. तो हिस्ट्री की टेक्नोलॉजी समझना बहुत जरूरी है. क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट मैकेनाइजेशन. मैकेनाइजेशन कैसे आया हमारे तरफ, म्यूचुअल डिपेंडेंस साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है, ये सीखने के लिए हमको हिस्ट्री टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस बाय यूनेस्को. यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अनाउंस करती है. कल्चरल हेरिटेज इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन. कल्चरल हेरिटेज जो है ये ह्यूमन क्रिएशन है, ह्यूमन क्रिएटिविटी है, इंसान ने उसको बनाया. इट इज कल्चरल ट्रेजर, कल्चरल वेल्थ है ये, दैट हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर. हमारे जो एंसेस्टर हैं उनके हमको इनहेरिट किया गया है, हमको मिला है उनसे. वी फील कनेक्टेड टू इट एंड हेंस प्रिजर्व एंड कंजर्व. हम उसे कनेक्ट महसूस होते हैं हम, और प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी है, कंजर्व करना हमारी ड्यूटीज है. दिस हेरिटेज इज आवर एसेट एंड बाइंड्स अस टू आवर पास्ट. ये हेरिटेज हमारी एसेट है, प्रॉपर्टी है, और ये हमको हमारे पास से कनेक्ट करती है. हेंस वी हैव टू शुड प्रिजर्व इट फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. तो फ्यूचर जनरेशन को भी ये देखने के लिए मिलना चाहिए, इसीलिए इनको प्रिजर्व करना जरूरी है. इन ऑर्डर टू सेव दिस हेरिटेज यूनेस्को हैज अनाउंस सम डायरेक्टिव्स. तो इसको सेव करने के लिए यूनेस्को ने कुछ डायरेक्टिव्स, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट्स ट्रेडिशन आर डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और उसके ऊपर ही जो उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की है. इट हैज हेल्प अस प्रमोटिंग दिस साइट्स एज अ टूरिस्ट प्लेसेस एज वेल. तो इसी को हम टूरिस्ट प्लेसेस भी कह सकते हैं. जैसे कि आपको पता होगा ताजमहल है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, ऐसे बहुत सारे हेरिटेज साइट्स है, अजंता एलोरा केव्स है. राइट एलेबोरेट आंसर्स. आपको आंसर लिखना है, हाउ इज द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन रिसर्च. तो हिस्ट्री की जो मेथड है वो रिसर्च में, साइंस आर्ट्स और मैनेजमेंट स्टडी में कैसे यूजफुल रहेगी. ईच फील्ड हैज इट्स ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज. तो ये हर एक फील्ड की ओन हिस्ट्री है बिल्डिंग नॉलेज. डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट अवेलेबल नॉलेज इन दैट फील्ड. तो कोई भी डेवलपमेंट जो है वो उसके ऊपर नॉलेज के ऊपर अवेलेबल है. अगर समझ लीजिए जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उसको अगर कंप्यूटर दिया तो वो उसको डेवलप नहीं कर सकता. तो उसके लिए उसके नॉलेज चाहिए. तो नॉलेज के ऊपर ही
वो स्किल डेवलप किस तरीके से हो सकती है उसके ऊपर है। मेथड ऑफ हिस्ट्री हैज प्रूव्ड वैल्यूएबल इन द रिसर्च फील्ड, उसी तरीके से हिस्ट्री की जो मेथड है वो रिसर्च फील्ड में वेरियस इंपॉर्टेंट है। पहला स्टडी करेंगे हम साइंस का। साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेंशन आर ऑफन द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट टू सेटिस्फाई द नीड एंड क्यूरियोसिटी। साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुए, उसके वजह से ह्यूमन सेटिस्फाई नीड्स एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। तो हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई करने के लिए ही इन्वेंशंस हुए। दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो एफर्ट कैसे हुए कि जो साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड था उस वक्त में ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉलेज था उसके ऊपर ही उन्होंने डिस्कवर किया। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प अंडरस्टैंडिंग द रीजंस। तो हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो हमको रीजंस बताता है क्यों हुआ वो, क्रोनोलॉजी सीक्वेंस क्या था उसका, फैक्टर्स फैक्टर्स बताता है कौन से थिंग्स दैट फैसिलिटेट साइंटिफिक इन्वेंशन डिस्कवरी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस दैट हेल्प्स इन एवरी फील्ड। तो हर एक फील्ड में वो किस तरीके से बेनिफिट हुआ, किस तरीके से उसका बेनिफिट होगा, फैसिलिटी मिलेगी साइंटिफिक इन्वेंशन में, तो इसीलिए ये। सेकंड पॉइंट है आर्ट। डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टाइल ऑफ आर्ट लाइज इन देयर एक्सप्रेशन थ्रू इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। कोई भी आर्ट है वो आर्ट एक्सप्रेस कब होती है, जब उसमें इंटेलेक्चुअल इमोशन रहेगा या कल्चरल ट्रेडिशन होगी। वाइल स्टडिंग एनी आर्ट फॉर्म वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इट्स ट्रेडिशन। कोई भी अगर आर्ट फॉर्म को स्टडी करना है तो उसकी हिस्ट्री के ट्रेडिशन चाहिए, किस तरीके से परंपरा से वो हिस्ट्री आई है। द की टू द सक्सेस इन एक्सप्रेशन इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट। क्योंकि कोई अगर सैड सॉन्ग गा रहा है तो मतलब उसका मूड सैड है, या पेंटिंग बना रहा है तो उसका समझ में आना चाहिए अपने को। प्रिवेलेंट आर्ट स्टाइल इन द गिवन पीरियड कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। तो प्रिवेलेंट जो आर्ट स्टाइल है वो हमको कैसे महसूस होता है कि विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री के हिसाब से हमको महसूस होता है। मैनेजमेंट स्टडीज ऑल कॉम्पोनेंट्स लाइक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी थिंग्स है जिसमें प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, चेन ऑफ मार्केट है, सेल्स आर इंटर रिलेटेड एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो ये एक दूसरे से लिंक है, इंटर रिलेटेड है, और रिक्वायर मैनेजमेंट मैनेजमेंट चाहिए उनको, मैनेजमेंट के हिसाब से ही सब होता है। डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आर इन्वॉल्व इन दिस इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस। तो बहुत सारे डिफरेंट सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है कि जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोसेस में ही होते हैं। नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम ऑफ पास्ट इज एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस। तो नॉलेज जो फंक्शनल सिस्टम का, जो पास्ट में किस तरीके से काम होता था, तो चेंजेस इम्प्रूवमेंट्स एंड मेक मैनेजमेंट स्मूथ एंड एफिशियंट इट बिकेम्स। तो मैनेजमेंट स्मूथ होगा और ये नेसेसरी है ऑफ इट्स ओन हिस्ट्री के लिए, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री इन आवर प्रेजेंट। तो अप्लाइड हिस्ट्री को हम हमारे प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे। इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट। हिस्ट्री हमको नॉलेज देता है कि जो पुराने जमाने में क्या हुआ था। अप्लाइड हिस्ट्री हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द नॉलेज कैन बी पुट टू यूज अवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर बेनिफिट ऑफ फ्यूचर। तो अप्लाइड हिस्ट्री हमको हेल्प करता है कि ये नॉलेज हमको और हमारे फ्यूचर जनरेशन को कैसे यूज होगा। अप्लाइड हिस्ट्री इज को रिलेटेड विथ आवर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग वे। तो हम अप्लाइड हिस्ट्री को हमारे प्रेजेंट टाइम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये देखेंगे। नॉलेज ऑफ आवर पास्ट हेल्प्स इन डिसाइडिंग आवर कोर्स ऑफ एक्शन इन द प्रेजेंट। जो पास्ट का नॉलेज लेकर हम हमारा एक्शन जो है प्रेजेंट का उसको डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड, हेरिटेज ऑफ आवर अनसेस्टर एग्जिस्ट इन टेंजिबल इनटेंजिबल फॉर्म। हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म कौन से हैं, हमारे एनसेस्टर हमारे लिए छोड़ कर गए वो। वेल द क्यूरियोसिटी टू नो मोर अबाउट बिकॉज द प्रेजेंट क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट पीरियड। तो क्रिएटिव थॉट्स प्रेजेंट करते हैं, ट्रेडिशन वो पीरियड के वो बताते हैं। विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री वी कुड नॉट ओनली नो अबाउट द हेरिटेज बट ऑल्सो कंजर्व एंड प्रिजर्व। तो हमको सिर्फ हमारा हेरिटेज पता नहीं होना चाहिए, तो उसको हमको कंजर्व भी करना है, प्रिजर्व भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है। वी कैन बी बेटर इक्विप्ड टू फेस सोशल चैलेंजेस इन द प्रेजेंट बिकॉज ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन। वी कैन बी बेटर इक्विप्ड टू फेस सोशल चैलेंज। तो सोशल चैलेंज हम फेस कर सकते हैं इन प्रेजेंट बिकॉज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सोल्यूशन। तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री
ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है क्योंकि सॉल्यूशन बताता है हमको कंटेम्प्रेरी सोशल इशू एंड इनकॉर्पोरेट देम इन सोशल प्लानिंग। जो आज हमारे को प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम है तो वो डील कैसे करने के, तो हिस्ट्री से हमको वो पता चल सकता है। डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए व्हेन वी राइटली एनालाइज आवर प्रेजेंट विद आवर नॉलेज इन द पास्ट एक्वायर्ड थ्रू अप्लाइड हिस्ट्री। तो प्रेजेंट का नॉलेज और पास्ट का नॉलेज ये हम यूज करके फ्यूचर में प्रोग्रेस कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट एटलीस्ट 10 सॉल्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। 10 सॉल्यूशन बताना है आपको कि आप किस तरीके से हिस्ट्री के जो सोर्सेस है वो प्रिजर्व करके रखोगे, प्रोटेक्ट करके रखोगे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस विच आर यूज टू स्टडी हिस्ट्री। 3 टाइप के सोर्सेस है जो हिस्ट्री में हम यूज करते हैं, रिटन, ओरल और मटेरियल सोर्सेस। वो है रिटन, दूसरा है ओरल और तीसरा मटेरियल। दी सोर्सेस आर प्रिजर्व इन द डिफरेंट वेज। तो ये डिफरेंट वेज से प्रिजर्व कर किया जाते हैं। फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन। तो इसके लिए हम कौन से मेजर्स करेंगे, रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ फोर्ट्स। हम देखते हैं हमारे फोर्ट्स की क्या अवस्था हो गई, अभी क्या सिचुएशन हो गई है। तो फोर्ट हो, मेमोरियल हो या पैलेसेस हो, उसको हमको रेगुलर रिपेयर करना है, मेंटेनेंस का काम करना है। टाइमली एक्शन शुड बी टेकन टू अवॉइड वैंडलाइजेशन ऑफ हिस्टोरिक पब्लिक प्लेसेस। कुछ लोग जानबूझकर हिस्टोरिक और पब्लिक प्लेसेस को नुकसान करते हैं, तो उनके ऊपर टाइमली एक्शन लेना जरूरी है। हिस्टोरिकल कॉइन्स वेपन शुड बी हैंडल विथ प्रिकॉशन एंड एटमोस्फेयर। हिस्टोरिकल जो कॉइन्स है या वेपन है उसको प्रॉपर केयर से हैंडल करना चाहिए। दे शुड बी केप्ट एट सेफ प्लेस टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट। कभी कभी उसकी थेफ्ट भी होती है, चोरी होती है, क्योंकि पुराने जमाने की चीज़ों को मार्केट में स्मगलिंग में बहुत सारे वैल्यूज है। इसीलिए वेरिएशन इन एनवायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन पोजेस थ्रेट। आज एनवायरमेंट और क्लाइमेटिक कंडीशन आपको पता है कि कैसा हो गया, उसके वजह से खतरा है ये मोनूमेंटल स्ट्रक्चर के लिए। ह्यूमिडिटी है, डैम्पनेस है, मोल्ड है, पोल्यूशन कॉज इररिवोकेबल। इररिवोकेबल मतलब अनचेंज डैमेज। इतना प्रॉब्लम होता है कि वो डैमेज कवर नहीं कर सकते। मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें, रेयर आर्टिफैक्ट्स है, स्टैचूज है, उसके बाद में कॉइन्स है। टू प्रोटेक्ट देम स्पेशल अरेंजमेंट हैव टू बी मेड लाइक रूम विद द कंट्रोल टेम्परेचर एंड सैनिटाइजिंग डिटॉक्सिंग रूम। तो ऐसे रूम चाहिए कि जो बाहर का एनवायरमेंट या क्लाइमेटिक कंडीशंस के कुछ भी अफेक्ट उस पर ना हो। नेक्स्ट, ओरल लिटरेचर लाइक ओवीज, फोक सॉन्ग्स शुड बी कंपाइल्ड एंड रिटन डाउन। ओरल लिटरेचर है, ओवीज है, फोक्स है, फोक सॉन्ग्स है, तो ये फोक सॉन्ग्स हमको कहीं पे कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल मतलब एक जगह इकट्ठा करना और रिटन डाउन उसको लिखा जाना चाहिए। क्योंकि आज देखते हो आप लोग शादी ब्याह में जो आज गाने गाए जाते हैं, आज वो कम हो गए और डीजे पे चल रहे सब सॉन्ग्स, क्योंकि वो अभी ओरल लिटरेचर खत्म होते आए। पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। पब्लिक को ट्रेनिंग देना जरूरी है कि ये जो फोर्ट्स हैं या मोनूमेंट्स है या स्टैचू है, ये हमारा हेरिटेज है, इसको हमको वैंडलाइज नहीं करना है, उसको हम नहीं करना है। तो ऐसे ट्रेनिंग लोगों को देना जरूरी है। सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल क्रिएटेड पीपल विल डेवलप एफिनिटी टुवर्ड्स द हेरिटेज एंड फील कनेक्ट। अगर लोगों को हमने ट्रेनिंग दी तो लोगों को कनेक्टेड होंगे लोग उससे और लोग उसकी केयर कर सकते हैं। एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स शुड बी इन्वॉल्व इन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। जो एक्सपर्ट है अलग अलग फील्ड के उनको इसमें शामिल करना जरूरी है। नेक्स्ट है, स्ट्रिंजेंट लॉ शुड बी एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स। स्ट्रिक्ट लॉ ये चाहिए। अगर हम फोर्ट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं वैंडलाइज करके कहीं पे उसको तोड़ा जाता है, उस पर नाम लिखे जाते हैं, तो स्ट्रिक्ट लॉ उसके लिए बनना चाहिए। एंड द लास्ट वन, अबव ऑल पीपल्स पार्टिसिपेशन कंजर्वेशन प्रोसेस इज पैरामाउंट। सबसे ज़रूरी है कि पीपल का पार्टिसिपेशन जो है वो मेन है, उसमें चीफ उसमें है मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल्ड थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट। कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे हेरिटेज प्रोजेक्ट से। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल्ड थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट। कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स कैन बी डन विदाउट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड स्ट्रक्चर। प्रिजर्वेशन और कंजर्व करना, डेवलपमेंट हेरिटेज साइट का, लेकिन उसको विदाउट एनी चेंज, ओरिजिनल स्टेट उसका चेंज नहीं करना है, ओरिजिनल फॉर्म उसका चेंज नहीं करना है। द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ पीपल चैलेंज दे फेस द प्रेजेंट सिचुएशन देयर एक्सपेक्टेशन कैन बी सर्वेड। जो लोकल सोशल स्ट्रक्चर है या साइकोलॉजी लोगों की, वो एक्सपेक्टेशंस क्या है उनको सर्वे में,
वो जानना ज़रूरी है, कौन से चैलेंजेस आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में वो भी देखना ज़रूरी है। इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट ड्यू प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ द लोकल पीपल। अगर आप उसमें कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, तो लोगों की सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस हर्ट नहीं होने चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द प्रपोज प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेट। तो लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, अगर आज कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू एंगेज एंड एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन क्रिएटिव वे, अगर आप एंगेज हो रहे हैं एम्प्लॉय लोकल स्किल्स में, तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ आप काम कर सकते हो। एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी लाइवलीहुड इट बिकेम इजियर, तो लोगों को अच्छा काम करने के लिए वहाँ पर आप एक सिस्टमेटिक प्लानिंग दे सकते हो कि जो कल्चरल हेरिटेज है उसके लिए वो कुछ खुद भी एंगेज होगे और एम्प्लॉयमेंट खुद का वहाँ पर ये करोगे। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए विथ योर फ्रेंड्स।